हाम्रो दादाहरू पनि साइकलमा ब्लक गर्नुहुँदैछ। पास भयो दादा, चिङ माने हुन्छ दादा, आराम गर्नुहोस् दादा, कता हिँड्नु भयो? हामी त मालबजार। हजुर हुन्छ दादा, आराम गर्नुहोस् त। Once more. पछाडिबाट हाँस्न पाइन्न है। रामबाड़ी रोड में है, सो यहाँ से जाएंगे माल बाज़ार, थोड़ा बाइक की सर्विसिंग करवाना है और उसके बाद सर्विसिंग करवाएंगे बाइक का। थोड़ा टाइम हो चुका है सर्विसिंग टाइम, तब उसके बाद निकलेंगे। अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा दूर जाएंगे घूमने के लिए, थोड़ा स्विमिंग भी करेंगे। तो आज लास्ट तक बने रहिए, आज का जो रैंडमली होने वाला है आज का ब्लॉग, जो कि बारिश हो रहा है फिर भी हम रुके नहीं जाएंगे, बारिश हो जो भी हो जाएंगे आज। लेकिन राइड करना भी मज़ा आ रहा है क्योंकि आज में बारिश के कारण धूप भी नहीं है, मौसम बहुत सुहाना है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। हाम्रो दादाहरू पनि साइकलमा ब्लक गर्नुहुँदैछ। पास भयो दादा, चिङ माने हुन्छ दादा, आराम गर्नुहोस् दादा, कता हिँड्नु भयो? हामी त मालबजार। हजुर हुन्छ दादा, आराम गर्नुहोस् त। ओके दादा, फिलो पनि भयो बाइकलाई पनि फिलो भयो, दुईजना एकदम शान्ति भयो। हामी निस्किन्छ यहाँबाट, हजुर कहीँ रोक्नु छ? ठिक छ।
लास्ट तक। सो फाइनली हम लोग का फोटो सेशन खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा लोकेशन था यहाँ फोटो क्लिक कराने के, इसलिए हम लोग ने फोटो क्लिक किया। अब यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा भूख भी लग रहा है, कुछ कुछ खाएंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। सो मिलते हैं वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। के बा के खाने खाना है, क्या खाएगा भाई? ओ पानी, ठीक है तब चाहते हैं, चलिए। थोड़ा सा अप रोड है लेकिन मोटा मोटी रास्ता ठीक है, बने रहिए। अप रोड में राइड करने का मजा अलग है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, लगभग तो रास्ता अच्छा है। फाइनली अब हेर्न सक्नुहुन्छ थुलुङ थुलुङ स्विमिङ पुल होम स्टे पनि रहेछ है यहाँ। अंकल से जानेंगे थुलुङ स्विमिङ के भन्नु भयो सर? थुलुङ होमस्टे एन्ड स्विमिङ पुल। स्विमिङ पुल। सो यहाँको कोस्टहरू कस्तो छ नि?
नेपालीमा बोलौ कि हिन्दीमा छ भने सजिलो छ हिन्दी यहाँ पर जो गोरुबथानले अभी हम लोगों ने शुरू किया है थुरुम होमस्टे एंड स्विमिंग पूल होमस्टे के लिए अभी एक आदमी के लिए जो बेड एंड ब्रेकफास्ट 600 रुपये करके और ब्रेड माने ब्रेकफास्ट दैट मीन्स बेड ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके 1000 रुपीस पर पर्सन और स्विमिंग के लिए एक आदमी के लिए 100 रुपये में 2 घंटा ऐसे करके किया हुआ है okay. उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग का फैसिलिटी है वाईफाई का फैसिलिटी है यहाँ पर गार्डन भी है आप लोग कोई भी इवेंट भी कर सकते हैं ये एरिया एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है सिक्योर्ड है आपको देखने में भी लग जाएगा यहाँ कोई अशांत करने वाला कुछ कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो कोई आदमी आएगा ना तो कोई गाड़ी आएगा डिस्टर्बेंस कुछ भी करने वाला कोई भी नहीं है ओके ठीक है सो ओके थैंक यू अंकल जी को और देखते हैं आप देखिए जो अंकल जी ने बोला यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं सो तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ लोकेसन तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई कुनै दिन इच्छा छ भने तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू तपाईँलाई सो फाइनली आप लोग को कैसा लगा आप थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा आप कुछ कहना चाहेंगे देख सकते गुरुबथान का गुम्बा बहुत ही अच्छा नज़ारा है तो आपको कैसे लगा इधर आके सो आप कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ बोलना चाहेंगे ओके मजा आयो कैसे लगा सुख खा के चौरा बड़ा भाई